हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ सर्टिफाइड कराटे ब्लैक बेल्ट एंड फिटनेस ट्रेनर संजय। दोस्तों, आज के टाइम में हर आदमी अपनी लापरवाहियों के चलते बीमार होता जा रहा है और लाखों रुपए इन बीमारियों के इलाज के लिए खर्च करता जा रहा है। 80% बीमारियों का कारण गलत खान पान होता है। जीवन भर मनुष्य धन कमाता है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है और अंत में उसी धन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे स्वस्थ कर दो। चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा डेली रूटीन बताने जा रहा हूं जिससे आपके लाखों रुपए बच जाएंगे बीमारियों के और आप एक स्वस्थ जीवन आराम से जी पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो नियम बताता हूं जिससे आप अपने आप को ज़िंदगी भर स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद के नियम के अनुसार सुबह उठते ही गुनगुना गर्म पानी पिए। पानी हमेशा घूट घूट कर पिएं क्योंकि उससे मुंह की लार अधिक से अधिक शरीर के अंदर जाती है। मुंह की लार में बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं। केवल गर्म पानी पीने से ही आप लगभग 100 रोगों को दूर कर देते हैं। नियम यह है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब आप खाना खाते हैं तो उस समय शरीर में जठराग्नि उत्पन्न होती है। अगर आप उसी समय पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि ठंडी पड़ जाती है जिससे खाना पच नहीं पाता और सड़ने लग सकता है, और अगर भोजन सड़ गया तो वो शरीर में बीमारियां पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हमें पानी कब पीना चाहिए। तो खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। दोस्तों, अब एक प्रश्न और उठता है कि खाना खाने के बाद अगर पानी नहीं पीना है तो उसकी जगह और कोई दूसरा तरल पदार्थ पी सकते हैं क्या? तो हाँ, आप जूस, छाछ या दूध पी सकते हैं। अगर आप सुबह भोजन करते हैं तो उसके साथ में आप जूस पी सकते हैं। अगर आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ में आप छाछ, दही पी सकते हैं, और अगर आप रात का भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ में आप दूध पी सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी पीने से तो जठराग्नि शांत होती है, लेकिन दूध, छाछ या जूस पीने से जठराग्नि शांत क्यों नहीं होती? तो इसका एक कारण है, दूध, छाछ और जूस का गुणधर्म पानी से अलग होता है, तो उससे आपकी जठराग्नि शांत नहीं होगी बल्कि आपका खाना और अच्छे से पचेगा। स्वस्थ रहने के लिए अगले नियम की बात करें तो आप शाम का खाना 6 या 7 बजे पहले समाप्त कर लें। तो दोस्तों, ये कुछ नियम हैं जिनके द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।